हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ट्विटर पे अपनी गिग्स को कैसे प्रमोट कर सकते हैं और ट्विटर से आप क्लाइंट्स कैसे ले सकते हैं। क्योंकि देखें, गिग्स वगैरह तो हम लगा लेते हैं, लेकिन फिर मेन कंसर्न लोगों का यही होता है कि गिग लगा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहे। तो ये पूरा एक टेस्टेड तरीका है, ये मैं पर्सनली यूज़ भी करता हूँ और मुझे इस मेथड के थ्रू क्लाइंट्स मिले भी हैं। बहुत अच्छा तरीका है, तो इसलिए भी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी इसको अप्लाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स ले सकें, तो फ़ायदा होगा आपको। तो गाइज, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम गिग कौन सी प्रमोट करेंगे। अब मेरे केस में मैं अपनी वर्डप्रेस वाली गिग को प्रमोट करूँगा। ये देखें, ये सेकेंड गिग जो आप देख रहे हैं, इसको मैंने खुद ही नहीं प्रमोट किया हुआ ड्यू टू सम रीज़न्स, बट ये देखें वर्डप्रेस वाली गिग को मैं प्रमोट कर रहा था और इसके मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो गाइस, करना क्या है कि आप ट्विटर पे अकाउंट बनाएंगे, अगर पहले से नहीं है तो अकाउंट बना लें एक। आप क्या करेंगे कि अब ये देखें, सर्च बार में आप आएँ, यहाँ अब आप लिखें नीड अ वेब डिवेलपर। मैंने ये सर्च किया, अब आपको यहाँ बेशुमार ऐसी ट्वीट्स मिलेंगी जहाँ पे लोगों ने कहा होगा कि उनको वेब डिवेलपर्स चाहिए, जैसे कि ये कोई एक एजेंसी टाइप है, उनको एक वेब डेवलपर चाहिए। अब ये कोई एक बंदा है, इसको भी एक वेब डेवलपर चाहिए। इस तरह काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे ट्वीट्स की हुई हैं कि जिनको उनको अब चाहिए। अब खाली वेब डेवलपर नहीं, आपकी जो भी नीचे है, डेटा स्क्रैपिंग किया है, लोगो डिज़ाइनिंग किया है, जो भी है, आप उससे रेलिवेंट इस सर्च बार में सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी गिग्स मिल जाएंगी जो लोग मांग रहे थे। एक सेकेंड। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि जैसे ये देखें, ये इस बंदे ने ट्वीट की हुई है कि आई नीड अ वेब डिवेलपर एसएप प्लीज़। अब आप क्या करेंगे, रिप्लाई में जाएंगे, यहाँ पे आप एक अच्छा सा रिप्लाई लिखेंगे, आप बताएंगे कि मैं एक वेब डिवेलपर हूँ और मैं एक्सपीरियंस भी है मुझे। वहाँ पे आप थोड़ा टेक्निकल भी बता सकते हैं कि मैं एलिमेंटर या डीवी इस तरह के पेज बिल्डर्स पे काम करता हूँ। तो मतलब आप इस तीन चार लाइन, ज़्यादा नहीं लिखना, मैक्सिमम तीन चार लाइन्स में आप यहाँ एक्सप्लेन कर दें इस बंदे को और फिर वो आपको कांटेक्ट कर सकता है। अच्छा, अब दूसरा तरीका ये है कि आप ट्वीट करेंगे, उसके लिए आप क्या करना होगा, मैंने पहले से ही एक डिस्क्रिप्शन लिख के रखा हुआ है और इसमें मैंने अपनी गिग का लिंक भी डाल दिया है। इधर आ जाएं, आपने डिस्क्रिप्शन लिख दिया थोड़ा सा, उसके बाद आपने गिग का लिंक भी डाल दिया, उसके बाद एक फ़ोटो भी लगा देते हैं और कोशिश करें कि जो फ़ोटो आप यहाँ लगा रहे हैं वो आपकी गिग पे लगी हुई हो, तो वो फिर रेलिवेंट हो जाएगा। अच्छी बात है, ठीक है, इतना काम आपने कर लिया। अब जो मेन चीज़ है वो होते हैं हैशटैग्स। ये आप हैशटैग्स देख रहे हैं यहाँ, ये देखें जैसे 23K पीपल ट्वीटिंग अबाउट दिस, मतलब कि इन हैशटैग्स पे लोग काफ़ी देख रहे हैं, उसके बारे में ट्वीट भी कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से सेटिंग्स में आना है, चेंज लोकेशन करके यूनाइटेड स्टेट्स कर लेना है, क्योंकि फाइवर पर ज़्यादातर क्लाइंट यूनाइटेड स्टेट्स ही आते हैं इसलिए। अब आप ये देखें, यहाँ पे जो यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रेंडिंग की हैशटैग्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। पहले यहाँ पे एक रेलिवेंट डाल देते हैं वर्डप्रेस का। दूसरा ये देखें, ये वाला कीवर्ड हैशटैग उठा के यहाँ पेस्ट कर दें आप। इसी तरह एक ये भी अच्छा कीवर्ड है, इससे भी काफ़ी ट्वीट्स हुई हुई हैं, तो इसको भी हम यहाँ कॉपी पेस्ट कर देंगे। इस तरह हमने ये यूनाइटेड स्टेट्स का कर लिया, डिफरेंट कंट्रीज़ का कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। यूनाइटेड किंगडम कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे भी काफ़ी हैशटैग्स आ रहे हैं, तो कोई सा भी हम उठा के पेस्ट कर देंगे। जब तक आपकी यहाँ ये देख लें, ये लिमिट पूरी नहीं होती कि वर्ड की लिमिट, तो आप तब तक उतने हैशटैग्स डाल सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे। और अब कनाडा का देख लेते हैं, कनाडा में भी ऑलमोस्ट सेम ही आ रहे हैं, तो इसी तरह एक और ये वाला भी डाल लेते हैं, इसको भी आप यहाँ पेस्ट कर दें। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो मेन इसमें ये हैशटैग्स का सारा है, हैशटैग्स डालेंगे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और इससे ये होगा कि आपको इम्प्रेशंस और व्यूज़ भी मिलेंगे गिग्स पे, और उसके अलावा
इम्प्रेशन और व्यूज़ मिलने के अलावा अगर किसी को आपकी सर्विस पसंद आती है तो वो आपको ऑर्डर भी लाजमी करेगा। उसके बाद सिंपली आपने ट्वीट कर देना है, आपने ट्वीट कर दिया। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी मैंने ट्वीट किया ही है, तो देख लेते हैं कितने इम्प्रेशंस आए हैं। ट्वीट करते साथ ही 13 इम्प्रेशंस आ गए। ये तो अभी अभी किया है, आपको मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ कि विद इन सेकेंड्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्वीट पे इम्प्रेशंस मिल जाएंगे। तो मैक्सिमम चांसेस हो गए कि वो लिंक पे क्लिक करके आपकी गिग पे आ भी सकते हैं। ये देखें, साथ ही 32 इम्प्रेशंस हो गए। इसी तरह ये बढ़ते जाएंगे। आपने क्या करना है, अपनी जितनी भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं गिग की, वो आपने इसी तरह डिस्क्रिप्शन लिखना है, लिंक देना है, और नीचे हैशटैग्स आपने इसी तरह कॉपी पेस्ट कर देने हैं यहाँ पे। इससे ये होगा कि जब आपकी प्रोफाइल पे एक्सटर्नल ट्रैफिक आ रही होगी फाइवर पे, तो फाइवर आपकी गिग को ऑटोमेटिकली प्रमोट करेगा। तो गाइज़, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अगर गाइज़ आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका आप जितना मुझे रिस्पॉन्स अच्छा देंगे, उतनी ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं नई से नई वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँ। सो गाइज़, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।